दोस्तों, हेल्दी रहने के लिए डाइट का सही होना बेहद जरूरी है। सही और संतुलित डाइट का मतलब होता है कि आपके खाने में सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और विटामिन हो, साथ ही आपका खाना मौसम के हिसाब से और मौसमी फल व सब्जियों से भरपूर हो। इस मौसम की ऐसी ही एक सब्जी है गाजर। दोस्तों, गाजर खाने के फायदे की बात करें तो इसमें कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और पोषक तत्व हैं। गाजर विटामिन ए, बीटा कैरोटीन, विटामिन सी और विटामिन के से भरपूर होता है, इसलिए हर किसी को हर रोज एक गाजर जरूर खाना चाहिए। दरअसल रोज एक गाजर खाने से शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है और यहाँ तक कि कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी का भी खतरा कम होता है। तो आइए जानते हैं रोज गाजर खाने के क्या क्या फायदे हैं। नंबर 1, फालकेरोनोल गाजर में मिलने वाला एक ऐसा कंपाउंड है जो कि कई प्रकार के कैंसर को रोकता है, लेकिन ये खास तौर पर ब्रेस्ट कैंसर के खतरे को कम करता है। दरअसल ये कंपाउंड सेल्स में होने वाले असाधारण ग्रोथ को रोकता है। इसके अलावा इसमें पॉली एसिटिलीव होता है जो कि एंटी कैंसर की तरह काम करता है। साथ ही रोजाना एक गाजर खाने से आपके शरीर के सेल्स और टिश्यूज हेल्दी रहते हैं और शरीर कई बीमारियों से बचा रहता है। नंबर 2, गाजर में फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है जो कि मेटाबॉलिज्म को मजबूत करते हैं और आंतों के गुड बैक्टीरिया को हेल्दी रखते हैं। इससे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है, पर गाजर में कुछ एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो कि इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करते हैं। इसके अलावा इसका बीटा कैरोटीन और ऑर्गेनिक कंपाउंड भी शरीर को कई संक्रामक बीमारियों से बचाने का काम करता है। साथ ही ये कंपाउंड किसी बीमारी के बाद शरीर में रिकवरी में तेजी लाता है। नंबर 3, गाजर लिवर सिरोसिस को कम करने में मददगार है। दरअसल गाजर के बीटा कैरोटीन लीवर सेल्स को अंदर से हेल्दी रखते हैं, साथ ही इसका फाइबर इसके काम काज को सही रखने में मदद करता है। इसलिए जिन लोगों का लीवर कमजोर है उन्हें रोज एक गाजर जरूर खाना चाहिए या फिर गाजर का जूस बनाकर पिए। पर ध्यान रहे कि ज्यादा मात्रा में भी गाजर का सेवन न करें, क्योंकि इससे लीवर में टॉक्सिन बढ़ सकते हैं और आपको नुकसान भी हो सकता है। नंबर 4, आपके घर में किसी की भी आंखें कमजोर हैं तो उन्हें रोज एक गाजर खाने को कहें। दरअसल गाजर आंखों के लिए कई प्रकार से फायदेमंद है। दरअसल गाजर में बीटा कैरोटीन होता है जो आंखों की समस्याओं को कम कर सकता है, साथ ही ये हमारे आंखों की रोशनी बढ़ाने में भी मददगार है। इसके अलावा गाजर का विटामिन सी मैक्यूलर डिजेनरेशन को कम करता है और आंखों लंबे समय के लिए स्वस्थ बनाने में मदद करता है। नंबर 5, अगर आप एक ग्लोइंग स्किन पाना चाहते हैं तो आपको रोजाना एक गाजर जरूर खाना चाहिए। हालांकि आप गाजर का जूस भी पी सकते हैं। गाजर स्किन एजिंग को कम करने में मदद करते हैं। दरअसल गाजर का बीटा कैरोटीन एंटीऑक्सीडेंट है जो फ्री रेडिकल्स और यूवी किरणों के नुकसान से बचाता है। ये झुर्रियां और फाइन लाइंस में कमी लाते हैं, साथ ही ये पिगमेंटेशन कम करने में भी मददगार है। नंबर 6, अगर किसी को धूप से आने पर सनबर्न हो गया हो तो प्रभावित क्षेत्र पर ठंडा गाजर का जूस लगाया जा सकता है। इसमें मौजूद विटामिन सी एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है जो त्वचा को सूरज की तेज किरणों से होने वाले नुकसान से बचाए रखने में मदद कर सकता है। इसके लिए गाजर के जूस को बर्फ की ट्रे में डालकर उसके आइस क्यूब बना लें और फिर उसे प्रभावित जगह पर उपयोग करें। नंबर 7, गाजर में ऐसे कई खनिज मौजूद होते हैं जो बालों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए जरूरी होते हैं। इनमें प्रोटीन, आयरन और विटामिन सी शामिल हैं। ये सभी बालों को सेहतमंद बनाए रखते हैं और उन्हें बढ़ने में मदद कर सकते हैं। बाल बढ़ाने के उपाय के रूप में रोज सलाद के रूप में गाजर या एक बाल गाजर की सब्जी या एक कप गाजर का जूस पिया जा सकता है। नंबर 8, गर्भावस्था के दौरान गाजर का सेवन करने से कई तकलीफों को दूर किया जा सकता है। गाजर में फोलेट नामक एक विटामिन पाया जाता है जो खासकर गर्भ में पल रहे बच्चे और माँ के लिए लाभकारी हो सकता है। गर्भावस्था के दौरान फोलेट लेने से बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की आशंका कम होती है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट एक चिकित्सीय स्थिति है जिसमें बच्चे की रीढ़ मस्तिष्क का विकास ठीक से नहीं हो पाता है। बेहतर स्वास्थ्य के लिए गर्भवती महिलाएं गाजर का सेवन कर सकती हैं। नंबर 9, क्रोमियम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो प्रदूषण के जरिए शरीर में जाकर विषाक्तता का कारण बन सकता है। शरीर से इस तरह की विषाक्तता को हटाने के लिए सब्जियों की मदद ली जा सकती है।
इसके लिए गाजर को भी एक प्रभावी सब्जी माना जाता है। इसमें ग्लूटेथियोन नामक एक एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड पाया जाता है जो शरीर को प्रभावी रूप से डिटॉक्स करने में मदद कर सकता है। और लास्ट है नंबर 10, अगर कोई वजन कम करना चाहता है तो उसे अधिक सब्जियां खाने की सलाह दी जाती है। इसके पीछे कारण है सब्जियों में मौजूद फाइबर। ये खाना धीरे पचाने में मदद करता है और लंबे समय तक पेट भरे रहने का एहसास बनाए रखता है, जिससे व्यक्ति कम खाता है और उसे वजन कम करने में सहायता मिल सकती है। गाजर भी ऐसी ही एक सब्जी है जिसमें फाइबर की प्रचुर मात्रा पाई जाती है और यह वजन घटाने में कुछ हद तक लाभदायक हो सकती है। वहीं इसमें कैलोरी की मात्रा कम होती है, जिस कारण से वजन कम करने की डाइट में शामिल किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थे गाजर खाने के फायदे। और साथ ही दोस्तों, गाजर को आप सलाद में चबा चबा कर खाएं, ब्रेकफास्ट में आप गाजर का जूस पी सकते हैं। इसके अलावा आप गाजर उबाल कर, मैश करके और सूप बना कर खा सकते हैं। लेकिन अगर आप गाजर का हलवा बना कर खा रहे हैं तो आप इसे देसी घी और गुड़ डाल कर बनाएं। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अन्य लोगों के साथ भी जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।